कोई ऐसा नया विचार किया हूं। विचार यह है कि तुम दोनों भाई को स्कूल ले चलता हूं, मेरे साथ चलो, स्कूल में जाकर एडमिशन करवा देते हैं, वहां पर तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे सही ढंग से, समझ गया? यही कहना है और कोई बात नहीं। ठीक है पिताजी, आपका जो इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। अरे यही तो हाँ पिताजी, इस समय मैं तुम दोनों भाई को ले चलता हूँ, लेकिन इस टाइम में महारानी तो नहीं आई, तुम अपनी माँ से जाकर मिलो। महारानी इसलिए वहां जाने का बाद मास्टर साहब कितने दिन में छुट्टी देगा या नहीं देगा, माँ और पिताजी से मिलते हुए आशीर्वाद है महारानी। प्रणाम मां, खुश रहिए। आज इसलिए तुमको बुलाया हूँ, इससे पहले जो दोनों व्यक्ति जो विचार किए थे, हाँ हाँ, तो इस टाइम मंत्री द्वारा सीत बसंत को मैं बुलाकर यहाँ पर दरबार में बुलाया और वो दोनों बच्चे को मैं ले जाता हूँ स्कूल। सीत बसंत कहा, क्या पिताजी आपको साथ में स्कूल जाता हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे माँ से मुलाकात नहीं हुआ, मैं अपने माँ से मुलाकात करूंगा, उसको बाद में आपको साथ चलूंगा। इसलिए मंत्री द्वारा तुमको मैं बुलवाया हूँ, सिद्ध बसंत से जाकर मुलाकात करो, इस वक्त वो दोनों बच्चे को मैं ले चलता हूँ।
देखो सीत प्रणाम माँ खुश रहो। अगर तुम लोग चले जाओगे पाठशाला भी तो तेरी माँ कैसी रहेगी। माँ आज पिताजी मुझे नाम एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, मास्टर साहब के पास जाकर के नाम एडमिशन करवा लेंगे, पुनः वहां से मैं वापस आऊंगा। मेरे लिए माँ सोने की कटोला में दूध और चावल बना करके रखना। क्यों नहीं मेरी लाल, नाम एडमिशन करा कर के आएंगे, फिर जो पढ़ने के लिए जाएंगे तो मुझे दूध भात खिला देना। हाँ तो आ गया सुरेश राम, सुरेश राम जी का लड़का, लड़का कह लो कि सुरेश राम दल के पैसा हो, उनको तरफ से 10 रुपया का नोट पुरस्कार मिला है, हमारे कंपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ महाराज, आप शीत बसंत को, शीत बसंत से जो कुछ बातचीत करना है कर लो, तब तक हमने साइड हो जाते हैं। ठीक है, देखो शीत बसंत मेरी लाल, अरे तुम लोग भोजन करोगे तो हाँ उतना व्यवस्था जल्दी नहीं हो सकता है। ए संतोष जी को मालूम नहीं था, मालूम तो था, देने में कह दिया था कि नाचे होगा, उसका सामान तो पहले ना ना चाहिए। अच्छा तो भूख ले चल देना, तो क्या करिए। ठीक है तो हम आएंगे वापस, तो मेरे लिए माँ भोजन तैयार करके रखना। क्यों नहीं मेरी लाल, शीत बसंत क्या अपनी माँ से बातचीत किया? हाँ पिताजी। ठीक है, माँ को बच्चे बहुत प्यारा होता है, आज इस वक्त में देखा ओ मेरे महारानी, तुम दोनों भाई को गोद में बैठा कर दूध भात खिला रही थी, अब तुम जो है खाना खा लिया, मेरे साथ चलो स्कूल। सलाम अलैकुम सर। इधर सुनो तू लोग, सबसे पहले तू लोग अपने अपने नाम बताओ, क्या नाम है? सर यह हमारा नाम है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी कुमारी। हाँ। और ए लड़के तुम्हारा नाम क्या है? खुशी कुमारी। क्या है, क्या नाम है? खुशी कुमारी। अरे जोर से बोलो, हम थोड़ा कम सुनते हैं। सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल। बोलिए छोड़ी, कहते खुशी कुमारी। अच्छा खुशी कुमारी,
तू बोलो तू क्या नाम है तेरा? सोनाक्षी पांडे। सोनाक्षी पांडे। ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा कुमारी। मेरे हाथ पे भी मेरा नाम है। ऐसे ठीक है। लड़की लोग तू लोग किधर बैठो, और जो लड़का लोग उधर बैठेगा, लड़की लोग इधर बैठो। मुखिया जी जल्दी आओ कार्यालय में। पास आ गया मास्टर साहब। हाँ क्या बात है बोलिए। यहाँ पर यह कॉलेज स्कूल का पास मैं इसीलिए आया हूँ, दो लड़का है उसको एडमिशन कराना है। हाँ हो जाएगा। तो नाम लिखिए। ठीक है नाम बोलिए। लड़का क्या नाम है? लड़का को नाम पहले लिखिएगा या उसका पिताजी का पहले? अरे सबसे पहले कहा घर हुआ, सबसे पहले घर की अता पता तो बताओ, तब लड़का को पिताजी के नाम लिखे। मेरा घर हुआ मानिकपुर। घर हुआ मलिकपुर। मानिकपुर नहीं मानिकपुर। मालीपुर। और मेरा नाम है राजा महेश्वर सिंह। महेश्वर सिंह। महेश्वर सिंह। महेश्वर सिंह। और दो लड़का है, एक तो लड़का का नाम है शीत कुमार। शीत कुमार। और उससे एक तो और है छोटा, उसका नाम है बसंत कुमार। बसंत कुमार। यही बात है। हो गया। ठीक है कहाँ है दिखाओ लड़का लोग को। जिला पड़ता है सरवरिया जिला। जिला तुम्हारे कहाँ पड़ता है? सरवरिया। सरवरिया थाना मभंडो। हमारे घर पड़ता है घरवरिया। तो ठीक है ये दोनों लड़के को आप देखिए। बसंत कुमार। प्रणाम मास्टर साहब। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। लड़का है मास्टर साहब, इसको सही ढंग से पढ़ाइए। बहुत बहुत अच्छा लड़का है। जब भी चाहिए कार्यालय में आ जाओ। और मास्टर साहब। हाँ हाँ बहुत लड़की लोग को देखते हैं, उसमें खुजराहा वाली वो भी बैठी हुई है। अरे वो भी बैठी हुई है, सब है। हमारे स्कूल में लड़की की कमी नहीं रहती है। खुजराहा वाली कब एडमिशन करवाई है? अरे तो कल करवाई है। कितना रोज हुआ है? अरे दो रोज हुआ है। और देखिए मास्टर साहब। हाँ इस क्लास में ज्यादातर लड़की को मैं देखता हूँ। ये दोनों लड़का मेरा रहेगा, उसको थोड़ा देखभाल कीजिएगा सही ढंग से। कुछ नहीं होगा आपका लड़का के। आज जिस रोज ये दोनों बच्चे को घर आने का इच्छा हो जाए, उस रोज आप छुट्टी दे दीजिएगा उसको। ठीक है। शीत बसंत। हाँ पिताजी। तुम दोनों भाई बहन को आज इस समय दोनों भाई को मैं एडमिशन करा दिया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने घर, इसलिए हमको निकल जाने के बाद
तुमको माँ अकेली पड़ गया है, वो इंतजार करती होगी। पिताजी आज माँ को तबीयत खराब हो गया था, इसलिए मेरे दोनों भाई के लिए भोजन नहीं बना सकी, लेकिन अब मैं यहाँ से जब आऊंगा तो हमारे हीरा भैया के यहाँ से दूध और सोना की कटोला में चावल रखना, ताकि मैं आऊंगा पढ़ करके तो भोजन करूंगा। भागा ले कॉलेज को भी खराब करेगा। अरे अरे इधर सुनो, प्रणाम मटकोर। अरे बोलने की भी नहीं ढागा हरा मजारों को। सबसे पहले तूने अपने नाक की साफ करो। हरा मजारा कितना तुम्हें नाक में देखो तो कितना तुम्हें गंदा लगा है। हमरा मैं यो कल के बाबा नाक मटकोर सफा कर देतो। ऐसे में तो हरा मजारा तुमको बहुत मार मारेगा। बोलेगा आदमी सब तो उम्र कट्टा है सर, पकड़ भी को ले जाएगा बहुत मार मारेगा। देखो तो कैसा भेष में है। अरे अरे उधर जाके हमर नाम एडमिशन क्या दियो। अरे क्या नाम है तोरा से बोलो। हमें हमें बादे छे हां लिखने जइयो। हरम ज्यादा तू पा देगा हम लिखेगा ये बताओ। हमें बाजे चाल लिखने जाइयो ना। हाँ ऐसे बोलो। उनाते तो बोल लिए ही ना। हाँ नाम क्या है, नाम बोलो। बोले छे। अरे जल्दी बोलो। पहले घर लिखबे। हाँ घर कहाँ हुआ ये बताओ। लिखियो बाऊ के नाम। हाँ बोलो तो अपने पिताजी के नाम क्या नाम है। लिखियो ना बाऊ। अरे हरो मचा दो बोल। अरे बाऊ के नाम। हाँ लिखियो पहले घर लिखियो बालहा। बालहा घर बालहा लिख लिया। हाँ घर बालहा।
बाप के नाम बखले लहा हमार नाम ललहा लिख दियो दुगो नाम अच्छा तुम्हारे नाम ललहा दुगो नाम चले छे हमार नाम दुगो चले छे गांव में अरे गांव में नहीं चलता यहाँ स्कूल में दो नाम नहीं चलेगा एक ही नाम चलेगा आधार कार्ड पर छे ललहा ओना सब कहे छे घोटरना अरे वो नाम कट जाएगा ये जो स्कूल में है ना वही नाम रहेगा तुम्हारा वही नाम से तुम्हारा राशन मिलेगा सब कुछ मिलेगा हां तो भातार थे भातार कार्ड कहे छे अरे हां बसा बसा लिख दलिए हाँ लिख दिया तो लिख दलिए तो हमार क्लास बता दियो कने छे हरो हरो मजादा बस कने बचिया गिलास नहीं बोला जाता गिलास कैलाश हरो मजादा बोलता गिलास अरे मास्टर यो हाँ हाँ तू कॉलेज भी को तू खराब करेगा लगता है मेरा दिल भी कितना पागल है दिल भी पागल है तू सचमुच पागल है तू सचमुच पागल है सबसे पहले जितना इस कॉलेज का जो विद्यार्थी है सब सबसे पहले प्रार्थना करो प्रार्थना हाँ हाँ उठो उठो सब प्रार्थना करो सबसे पहले सब पढ़ाई चालू प्रार्थना चालू करे खेलते हमें गाइब है मसे प्रार्थना नहीं करिए गाबै छिए या सुन लियो ना हां बस यो हां हां अल्लाह अकबर अल्लाह हरम दादा यहां मौजूद है तू अल्लाह को नाम लेता है ये हर मजाना ये स्कूल है कि मस्जिद मस्याब आहा का मालूम नहीं है हम कत्ते पढ़त छी कितना पढ़ा है हां हां यहां से जोड़ लियो बहरी गेलिए अच्छा बहरी गया था बहरी बहरी में पढ़ लिया आज और बताओ अब बहरी से जब निकल लिए तो सिंगिया गेलिए हाँ सिंगिया गया था और आगे बताओ सिंगिया से सुगर मिल हसनपुर गलिया हसनपुर से समस्तीपुर गलिया हाँ हाँ समस्तीपुर में जस मस्या अच्छा समस्तीपुर में क्या हुआ हम जब लिखा लग लिया ना लिखा जब लग लिया हाँ हाँ जब पढ़ा लग लिया वकील फाइल भेज गया क्या बात है हाँ अतलम समझ रहे हैं अरे इसका मतलब तू बहुत समझदार है तू हां एंड मिस्टर बेस्ट टू मिल स्टैंड ब्लड डबल स्टैंड डबल क्रिक टम नम नॉट नो नो बल स्टैंड इट्स मिल वा व्हाट मिल टू मेरा यार्ड नंबर शोन मिल हसनपुर शाबाश डाट मिल मिल टू मिल हैव बिन मिल शोन मिल नो ओके हमने 10वां में नाम लिखाया अब 5वां में आकर फेल हो गए वाह वाह कमाल कर दिया तूने भी ठीक है पढ़ है बैठो पढ़ो रे मन ओ नमः सिधनी पढ़ो रे मन ओ नमः सिधनी पढ़ो रे
दादा ये कौन सा पढ़ाया है रे मस्या पढ़ोरे मन नाना माछी धा आई जे पढ़ाया छे मस्या आई विद्यार्थी जे पढ़ मस्या 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 रुके मस्या रुके हर मजादा कॉलेज भी को खराब कर दिया ऐसा पढ़ाई पढ़ाता है सब सब लड़का बिगड़ जाएगा पढ़ोरे मन नाना माछी धन भात ये कौन सा पढ़ा भात का भा हां हां छुट्टी छुट्टी अरे अरे ललहा जाओ तुम लोग को छुट्टी हो गया जाओ छुट्टी छुट्टी ए लड़की तुम भी लोग जाओ सबको छुट्टी हो गया चलिए अब रिकॉर्डिंग करी बढ़िया वाला भैया मुखिया जी यहाँ से निवेदन है कनी मुड़ी है आ दूध जो है कनी दू मिनट में ओकर बसंत कुमार हाँ भैया यहाँ से चलो माता जी इंतजार करती होगी और यहाँ से चलो माँ से हाथ के भोजन करेंगे फिर पाठशाला समय से चले आएंगे पढ़ने के लिए ठीक है भैया जी चलिए माँ की मुलाकात करते हैं भैया ना जदी का बहिया
छी मां अभी तक शीत बसंत पाठशाला से अभी तक नहीं आए हैं। मैं उसके लिए दूध चावल में बना के रखी हूँ। इसलिए उदासी हो तू नहीं? अभी तक शीत वसंत नहीं आए हैं, मैं इसे चिंतित हूँ। इसमें कोई चिंता करने का बात नहीं है, कुछ देर आराम करो यहाँ पर, वो अवश्य आएंगे। किवाड़ लगा हुआ है, ना जाने माता जी सोई होगी। अब दोनों भाई का भूख भी बहुत जोर लग चुका है। Thank you.
तो पाठशाला से मास्टर साहब ने मुझे छुट्टी दिया और कहा सित बसंत तुम दोनों भाई समय से पाठशाला चले आना, बहुत सी लड़कियां भी पढ़ रही है और हम दोनों भाई भी पाठशाला में पढ़ते हैं, बहुत विद्यार्थी है माँ, बहुत अच्छे तरह से मास्टर साहब हम दोनों भाई को पढ़ाते हैं, माँ समय हो चुका है मुझे जो है तूने सोने की कटोरी में दूध और चावल जो भी बनाई हुई है अपने हाथों से मेरे दोनों भाई को भोजन करा दो, हम दोनों भाई यहाँ से फिर पाठशाला चले जाएंगे पढ़ने के लिए। क्या नवीनलाल, मुझे तो चिंता सताई जा रहा था कि अभी तक मेरे पुत्र अभी तक नहीं आए हैं, तुम लोग भोजन करो इसके बाद पाठशाला जाना और जहां भी जाना। ठीक है माँ, तुम तो मेरे लिए भोजन तो ले आओ। दरबानी अभी जब हल हल और दूध और चावल लेके आओ। ठीक छे, हम हाँ कर दे छे अपना कनिया, जल्दी बोलो। हे पुछ कमाए, पुछ कमाए। अरे की कहे छी, आय तोरी बहनी थे भाव से बोले चाहे पुछ पुछ के माय। आ तू अलो डारा के कहे छो, हरे की कहे छी रे? हां बोले ना की कहे छी रे? एने सुनो, चल जा टिफिन क्लियर में घी लागल है ते रोटी, हां आ जग में तू दूध गरम कर लो ही, हां तू जल्दी लेने आओ। राजकुमार लेन सीत और बसंत लेन स्कूल से आ फिर खाना खा के जेते दोनों लड़का। जा मलकान, क्या बात है दरवानी? ऐसा ऐसा कने रखे छी है? हां देखै ला रहल छै हरै ला के लिए दूध ला रहल छै। ए छोरी करे ला के ला, छोरी चल गेल रे बकरी चरबे। ओहो ई अपने कर किरबी छी है? अगर हम पापा होइले या बेटी दिया या बेटी आए हैं? हाँ बलियों छोरी दांते निकाले जा खाली, दो मलकान कर परोठा दो। क्या बात है दरवानी, दिखाओ क्या है? अरे पहले दिखाओ, पहले क्या सब लाया है? दो मिनट रुक जाओ, नाच मालिक प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी लगभग चार से पांच साल की एक बच्ची है जो बोल नहीं पा रही है कि हम मम्मी पापा का, उनका फोटो अभी ग्रुप पर डाल रहे हैं। मेला कमेटी का जो ग्रुप है, कृपया किन्हीं आदमी को बच्चा मिले या कहीं सोई हुई हो, अनजान बच्चा लगे कि ये अनजान है हम नहीं जान पाते हैं, तो कृपया बताने का कष्ट करें कार्यालय में आके। लगभग चार साल से पांच साल की बच्ची है, वो बोल नहीं पाएगी अपना नाम, गांव, पापा का नाम प्रियंका नाम है उनका। अगर किन्हीं को नजर पर लगे कि ये बच्चा अनजान है तो कृपया कार्यालय में उस बच्चे को लेकर पहुंचाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। सीत बसंत भोजन लाए हो, आप भोजन कर लो। हे माँ, माँ तुम मुझे भोजन करा दो और मैं यहाँ से पाठशाला चला जाऊंगा। आप भोजन करबियौ हे मैया जी, बउआ गई पसाना आके। Thank you.
जा रहा हूँ पाठशाला पढ़ने के लिए। देखो तुम लोग पाठशाला जाओगे लेकिन मैं अकेली कैसे रहूंगी। माँ जिस समय में तुमको कोई चीज का जरूरत पड़े तो तुम मुझे मंत्री के द्वारा फौरन बुला लेना माँ। ठीक है मिलाल, मुझे तो डर होता है, तुम लोग मेरी साथी रहो। माँ मैं भी चाहता हूँ जो तुम्हारे नजदीक से दूर नहीं जाऊं, लेकिन पिताजी ने मुझे नाम तो एडमिशन करा चुका है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे राही जिस बच्ची के बारे में अभी मेला कमेटी के द्वारा प्रचार किया गया था वो बच्ची मिल गई है, वो बच्ची अपने मम्मी के पास है। धन्यवाद। हेलो नहीं सुने छे जाओ। मालकिन के तबियत अच्छा नहीं छ, तबियत एनी टाइम खराब रहे छ। हां मालकिन के नजदीक से तू कहे ने जब वो टाइम पर दवाई टाइम पर पानी टाइम पर खाना मालकिन के तोरा पास के बाद छ तू खिलेबो। ठीक छे रे। हां 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 दरबानी ठीक है। या जी
परिवार सेवा में लागल छथने। अब की पता मिलकन के अचानक बोली बंद भ गेलन हन। मालिक के जंगल गेलखिन के नखल तक नहीं एलखने खेना दरबारी। प्रणाम मालिक, आशीर्वाद है मालिक। ये बताओ हमको जाने का बाद मेरी महारानी कैसे रहती है और वो दोनों लड़का आया या नहीं? दोनों बच्चे आए, दोनों बच्चे के दूध कटोरा में खिला दिए हैं और महाराज पुनः स्कूल पढ़ने के लिए गए हैं। और मालकिन अखने तुरंत बाजे रथनिक एकाएक मलकन के बोली बंद भलन है। ठीक है, तनी महल में अपने जाइयो। ठीक है, हम चलकर देखते हैं। ठीक है मालिक। आशीर्वाद है महारानी। ये बताओ हमको जाने का बाद अकेली तूने पड़ गई, कैसे रहती है? क्या कोई परेशानी तो नहीं है? महाराज सीत और वसंत को आया पाठशाला से, मैं उसे भोजन करा दी हूँ। ओ फिर गए पाठशाला तो मैं सोची कुछ आराम कर लेती हूँ अपने महल में, सेवा जाऊंगी। लेकिन महल में आराम
कर रही थी रात में, लेकिन महाराज मैं एक अचानक सपने देखी हूँ। क्या सपन देखी है मुझे बताओ। बड़ी अद्भुत की बात है महाराज, एक एक बगरा और एक बगरी थे, उसे दो बच्चे थे। कुछ दिन की बात, ओ बगरी ने ओ मर गई। मरने की बात, ओ बगरी थे, एक बगरी कहीं से लाए। ओ बगरी ने उन बच्चे को मार मार लोल से, मार मार की लोल से उस बच्चे को, दोनों बच्चे की मार दिया महाराज। इसी बातों की मुझे चिंता होता है कि मुझे भी दर्द की बीमारी है। अगर हमारे मरने की बात महाराज, मैं यही कहूंगी कि आप दूसरा शादी मत कीजिएगा। महारानी, सपना अपना नहीं होता है, वो सब बात को छोड़ो और जा रंग महल में जाके आराम करो। मैं भी जानता हूँ मेरे महारानी का दर्द का बीमारी है, इसको स्वस्थ अच्छा नहीं है, कब है या कब नहीं, समझ गई, जाओ आराम करो। और मैं इसी समय जाता हूँ दरबार के अंदर, बैठकर अब चयन करेंगे और तू रंग महल चली जाओ। अब भागा ले आ गए कारिया।